प्याज क्या है और इसके साथ जो मिश्रण है इसका, तो बहुत मजा आ रहा है। कहें कि आपने नहीं नहीं बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऑफर किया। आप देख रहे हैं आपके साथ देवाशीष कुमार। पुस्तक मेला पटना में सज चुका है गांधी मैदान। जी हाँ, वही गांधी मैदान जहाँ से कई ऐतिहासिक रैलियां हुई, कई ऐसे नेता यहाँ से अपने भाषणों के द्वारा लोगों का जीवन जीता। पुस्तक मेला में जब आप आते हैं, अपने मनपसंद की पुस्तक को खरीदते हैं और खरीदते खरीदते आप थक जाते हैं और आपको भूख लग जाती है, या उसका भी इंतजाम किया गया है। जी हाँ, इसी पुस्तक मेले में साइड के कॉर्नर में आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाएगी। और मजेदार सस्ते रेट में मिल जाएंगे। साफ तौर पर इस तरह से अगर आप खरीदने के बाद आपको कुछ खाने का मन कर रहा है परिवार के साथ, चलिए यहाँ जो लोग खा पी रहे हैं और लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि पुस्तक खरीदने के बाद लोग जो हैं वो यहाँ खाने के लिए आए हैं, तो बातचीत हो सकती है। आप खा रहे हैं बहुत मजेदार पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। बिहार में पुस्तक और पकौड़ा बड़ा फेमस है, तो दोनों का मजा आप ले रहे हैं। क्या किस तरह का पकौड़ा बना है ये पूरा मेला, बहुत टेस्टी पकौड़ा है। ये प्याज का है और इसके साथ जो मिश्रण है इसका, ये तो बहुत मजा आ रहा है। कहें कि आपने खाई है? नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ऑफर किया। तो जरूर लगता है कि बाद में हम लोग खाएंगे। एक पीस खाइए ना, खाएंगे जरूर। ऐसा बना हुआ है सर, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? पटना यूनिवर्सिटी। समय रहता है आप निकाल करके आप परिवार के साथ नहीं, अभी जैसे मिश्रा सर का एक कार्यक्रम था सर के साथ, अभी बच्चे आइसक्रीम का भी मजा दे रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? ठंड नहीं लग रही आइसक्रीम का? आज मैंने पांच पूछ ले ली जो सोचा ना तो पानी नहीं है आज के बाद आइसक्रीम का मजा ले रही है। अब नहीं पूछना, पहले खरीद लिया या फिर पहले खा रही है? मैं बच्चों को साथ में लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब का देखा किस तरह से लोग जो है वो खाने पीने स्टेट से लेकर के तस्वीरों के जरिए मैं अपने सभी की से कहूँगा कि किस तरह से लोग जो है वो अपना सभी काम खाने पीने में अपना समय निकाल रहे हैं। साफ तौर पर कुछ और लोगों से हम बात करें तो खरीदते कॉर्नर में आते हैं परिवार इस वक्त हमारे साथ समय आप
क्या आपने क्या खाया? क्या बात है, यहाँ पर डिश है उसका भी मजा ले रहे हैं। पटना मौर्या फेमस है जहाँ पर आपको शुद्ध घी की लिट्टी मिल जाएगी। और ये पटना का बहुत फेमस है, ऐसा लग रहा है जैसा बना अच्छा बना युवा है लिट्टी खा पूछा है। लिट्टी के बाद अब हम पाव भाजी की तरफ बढ़ते हैं। पाव भाजी बन रहा है, क्या क्या मिल रहा है? मक्के की रोटी, सरसों की साग, सरसों की चटनी। अच्छा, पाव भाजी है, उड़द दाल की प्लेट है 40, पाव भाजी 40 रुपए प्लेट है, 20 रुपए का रोटी की है, 50 रुपए का रोटी की है। पाव भाजी तो चलिए मिल जाता है, लेकिन मक्के की रोटी है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिहार में। कैसा रिस्पांस मिल रहा है मक्के की रोटी? अच्छा मिल रहा है, कस्टमर पसंद कर रहे हैं। मक्के की रोटी यहाँ पर मौजूद है और सर भी एक है, मक्के की रोटी, चटनी और सरसों के साग जो है उनका मजा ले रहे हैं। उस तक खरीदते खरीदते ये सरसों और चटनी खाना कितना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए पुस्तक खरीदी आपने, इस तरह से एक साथ पुस्तक का मजा और खाने का मजा मिल जाए तो कैसा लगता है? कहाँ से आए? चलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप खाइए। स्टॉक हो जाए आइए गरमा गरम, सेट फूड का भी मजा ले सकते हैं। सारा प्राइस आपको मिल जाएगा, पाव भाजी खाइए, चॉकलेट वेज फ्राइड राइस के पाव भाजी।